मूवी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज मूवी के बारे में काफ़ी लोग द प्रेस्टीज़ मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी द प्रेस्टीज़ मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहे तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द प्रेस्टीज 2006 ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द प्रेस्टीज मूवी को बनाया है साथ में आपको इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने बजट में द प्रेस्टीज़ मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ्स कलेक्शन द प्रेस्टीज मूवी ने किया था सभी बातें आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं बताएंगे कि आपको प्रेस्टीज़ मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको प्रेस्टीज मूवी देखनी चाहिए तो क्या खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सभी डिटेल में बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज मूवी के बारे में अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नॉलन ने स्क्रीन पे की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी का स्क्रीन पे लिखा है जॉनाथन नॉनल ने क्रिस्टोफर नॉलन ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को प्रोड्यूस किया है एमा थॉमस ने एरोन राइडर ने एंड क्रिस्टोफर नॉलन ने इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते कि कौन से एक्टर आपको प्रेस्टिस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में हुज जैकमैन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाते हैं माइकल केन देखने को मिल जाते हैं स्कारलेट जोहसन देखने को मिल जाते हैं रेबिका हॉल देखने को मिल जाते हैं एंटी सार्किस देखने को मिल जाते हैं डेविड बॉय देखने को मिल जाते हैं पाइपर पैराबोबो देखने को मिल जाते हैं द प्रेस्टिस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो इस, -जा इस, इस, तो इस, तो इस मूवी में सिनेमाइटोग्राफी तो की है बैली पी फिशरटर ने एडिटर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को एडिट किया है, ली स्मिथ ने म्यूजिक की बात की तो द मूवी का म्यूजिक किया है डेविड जुलियॉन ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की तो है तो द प्रेस्टीज मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं टच स्टोन पिक्चर्स वार्नर ब्रोज पिक्चर्स न्यू मार्किट फिल्म साइन कॉपी डिस्ट्रीब्यूटर की बात की है तो द प्रेस्टीज़ मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्यूना बिस्टा पिक्चर्स ने जिसने जिन्होंने कि नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट किया था वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने इस मूवी को इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट किया है रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी रिलीज़ हुई थी बीस अक्टूबर दो हज़ार सिक्स में एंड टेन नवंबर दो हज़ार सिक्स में यूनाइटेड किंगडम में यह मूवी रिलीज़ हुई थी रनिंग टाइम की बात की जाए तो एक सौ तीस मिनट रनिंग टाइम आपको द प्रेस्टिस मूवी का देखने को मिल जाता है एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले द प्रेस्टिज मूवी के बजट की बात की जाए तो फोर्टी फोर्टी मिलियन डॉलर की लागत में इस मूवी को बनाया गया है एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द प्रेस्टिज मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस 109.7 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आगे हम बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो कहाँ पर देखने को मिलेगी सबसे पहले द प्रेस्टिस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जॉनर है अगर आपको साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द प्रेस्टिज़ मूवी देख सकते हो बात किया दो हज़ार सिक्स में यह मूवी रिलीज़ हुई थी दो हज़ार सिक्स से लेकर काफ़ी लोग इस मूवी के फैन भी हैं जो इस मूवी को हिंदी वर्जन में भी देखना चाहते हैं एंड काफ़ी लोग क्रिस्टोफर नॉलन के फ़ैन हैं जिन्होंने कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है वो लोग इस वजह से देखना चाहते हैं क्योंकि क्रिस्टोफर नॉलन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है बहुत ही अच्छा मूवी है अगर आप भी देखना चाहते हो तो जरूर से देख सकते हो साइंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया गया है द मूवी को एंड बहुत ही अच्छा एक्ट्रेस ने काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में जैकमैन देखने को मिल जाते हैं एंड को एक्ट्रेस में भी बहुत अच्छा काम किया है क्रिश्चियन बेल ने माइकल केन ने एंड स्कारलेट जॉनसन ने सभी टीम ने बहुत अच्छा काम किया थोड़ी बहुत कमियां देखने को मिल सकती है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो द प्रेस्टिज एक अच्छी मूवी है दो हज़ार सिक्स में काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते थे एंड काफ़ी हिट मूवी कह सकते हो कि उस समय यह काफ़ी हिट मूवी रहा था तो अब बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द प्रेस्टिज मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी द प्रेस्टिज मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप द प्रेस्टिज मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो यह yeah, मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको द प्रेस्टिज मूवी का देखने को मिल जाएगा सो आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है बहुत ही अच्छा मूवी है एंड बहुत अच्छा स्टोरी है द प्रेस्टिज मूवी का बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी का डायरेक्ट भी किया गया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है एंड एक अच्छा स्टोरी है आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है क्या स्टोरी है वो जानने के लिए आपको यह मूवी को देखना होगा आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बड़ी ही आसान से हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने ज्यादा लोग द मूवी को पसंद करते हैं क्योंकि फोर्टी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने अप्रॉक्सीमेट एक सौ दस मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप जरूर से देख सकते हो तो आज का यह मूवी रिव्यू आपका अच्छा लगा हो तो एक बार इसको लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज मूवी के बारे में काफ़ी लोग द प्रेस्टीज़ मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी द प्रेस्टीज़ मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द प्रेस्टीज 2006 थाउजेंड ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द प्रेस्टीज मूवी को बनाया है साथ में आपको इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने बजट में द प्रेस्टीज़ मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन द प्रेस्टीज मूवी ने किया था सभी बातें आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं बताएंगे कि आपको प्रेस्टीज़ मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको प्रेस्टीज़ मूवी देखनी चाहिए तो क्या खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सभी डिटेल में बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज मूवी के बारे में अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नॉलन ने स्क्रीन पे की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी का स्क्रीन पे लिखा तो है जोनाथन लॉनर नॉनल ने क्रिस्टोफर नॉलन ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को प्रोड्यूस किया है एमा थॉमस ने एरन राइडर ने एंड क्रिस्टोफर नॉलन ने इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते कि कौन से एक्टर आपको प्रेस्टिस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में हुज जैकमैन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाते हैं माइकल केन देखने को मिल जाते हैं स्कारलेट जोहसन देखने को मिल जाते हैं रेबिका हॉल देखने को मिल जाते हैं एंटी सैरकिस देखने को मिल जाते हैं डेविड बॉय देखने को मिल जाते हैं पाइपर पैराबोबो देखने को मिल जाते हैं द प्रेस्टिस मूवी में सनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सनेमाटोग्राफी की है बैली पी फिशर ने एडिटर की बात की है तो दा प्रेस्टीज मूवी को एडिट किया है ली स्मिथ ने म्यूज़िक की बात की है तो द प्रेस्टीज़ मूवी का म्यूज़िक किया है डेविड जूलियन ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की तो है तो द प्रेस्टीज़ मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं टच स्टोन पिक्चर्स वार्नर ब्रोज पिक्चर्स न्यू मार्केट फिल्मस साइन कॉपी डिस्ट्रीब्यूटर की बात की तो द प्रेस्टीज मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्यूना बिस्टा पिक्चर्स ने जिसने जिन्होंने कि नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट किया था वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने इस मूवी को इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट किया है रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो द प्रेस्टिज मूवी रिलीज़ हुई थी बीस अक्टूबर दो हज़ार सिक्स में एंड टेन नवंबर दो हज़ार सिक्स में यूनाइटेड किंगडम में यह मूवी रिलीज हुई थी रनिंग टाइम की बात की जाए तो एक सौ तीस मिनट रनिंग टाइम आपको द प्रेस्टिस मूवी का देखने को मिल जाता है एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले द प्रेस्टिज मूवी के बजट की बात की जाए तो फोर्टी फोर्टी मिलियन डॉलर की लागत में इस मूवी को बनाया गया है एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन 109.7 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आगे हम बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो कहाँ पर देखने को मिलेगी सबसे पहले द प्रेस्टिज मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनर है अगर आपको साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो जरूर से आप द प्रेस्टिज मूवी देख सकते हो बात किया दो हज़ार सिक्स में ये मूवी रिलीज हुई थी दो हजार सिक्स से लेकर काफ़ी लोग इस मूवी के फैन भी हैं जो इस मूवी को हिंदी वर्जन में भी देखना चाहते हैं एंड काफ़ी लोग क्रिस्टोफर नॉलन के फ़ैन हैं जिन्होंने कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है वो लोग इस वजह से देखना चाहते हैं क्योंकि क्रिस्टोफर नॉलन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है बहुत ही अच्छा मूवी है अगर आप भी देखना चाहते हो तो ज़रूर से देख सकते हो साइंस फंट साइकोलॉजिकल थ्रिलर बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया गया है द प्रेस्टिज मूवी को एंड बहुत ही अच्छा एक्ट्रेस ने काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में हु जैकमैन देखने को मिल जाते हैं एंड को एक्ट्रेस में भी बहुत अच्छा काम किया है क्रिश्चियन बेल ने माइकल एंड स्कारलेट जॉनसन ने सभी टीम ने बहुत अच्छा काम किया थोड़ी बहुत कमियां देखने को मिल सकती है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो द प्रेस्टीज एक अच्छी मूवी है दो हज़ार सिक्स में काफी लोग इस मूवी को पसंद करते थे एंड काफी हिट मूवी कह सकते हो कि उस समय यह काफी हिट मूवी रहा था तो अब बात कर लेते कि कहाँ पर आपको द प्रेस्टीज मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी द प्रेस्टीज मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म फॉर्म पर जाना होगा काफी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप द प्रेस्ट मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो यह yeah, मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको द प्रेस्टिज मूवी का देखने को मिल जाएगा सो so, आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवीज देखना पसंद है बहुत ही अच्छा मूवी है एंड बहुत अच्छा स्टोरी है द प्रेस्टिज मूवी का बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी का डायरेक्ट भी किया गया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है एंड एक अच्छा स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है क्या स्टोरी है वो जानने के लिए आपको यह मूवी को देखना होगा आप जरूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बड़ी ही आसानी से हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है इसके बॉक्स कलेक्शन से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने ज्यादा लोग द मूवी को पसंद करते हैं क्योंकि मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप जरूर से देख सकते हो तो आज का यह मूवी रिव्यू आपका अच्छा लगा हो तो एक बार इसको लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलता है किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज मूवी के बारे में काफ़ी लोग द प्रेस्टीज़ मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी द प्रेस्टीज मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द प्रेस्टीज 2006 ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द प्रेस्टीज़ मूवी को बनाया है साथ में आपको इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने बजट में द प्रेस्टीज मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन द प्रेस्टीज मूवी ने किया था सभी बातें आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं बताएंगे कि आपको प्रेस्टीज़ मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको प्रेस्टीज़ मूवी देखनी चाहिए तो क्या खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सभी डिटेल में बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज मूवी के बारे में अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड दे वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नॉलन ने स्क्रीन पे की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी का स्क्रीन पे लिखा है जोनाथन नॉनल ने क्रिस्टोफर नॉलन ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को प्रोड्यूस किया है एमा थॉमस ने एरन राइडर ने एंड क्रिस्टोफर नॉलन ने इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते कि कौन से एक्टर आपको प्रेस्टिस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में हुज जैकमैन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाते हैं माइकल केन देखने को मिल जाते हैं स्कारलेट जोनसन देखने को मिल जाते हैं रेबिका हॉल देखने को मिल जाते हैं एंटी सैरकिस देखने को मिल जाते हैं डेविड बॉय देखने को मिल जाते हैं पाइपर पैराबोबो देखने को मिल जाते हैं द प्रेस्टिस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है बैली पी फिशर ने एडिटर की बात की है तो ध्यान प्रेस्टीज मूवी को एडिट किया है ली स्मिथ ने म्यूजिक की बात की है तो द प्रेस्टीज मूवी का म्यूजिक किया है डेविड जुलियॉन ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की तो है तो द प्रेस्टीज मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं टच स्टोन पिक्चर्स वार्नर ब्रोज पिक्चर्स न्यू मार्किट फिल्म साइन कॉपी डिस्ट्रीब्यूटर की बात की है तो द प्रेस्टीज मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्यूना बिस्टा पिक्चर्स ने जिसने जिन्होंने की नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट किया था वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने इस मूवी को इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट किया है रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो द प्रेस्टिज मूवी रिलीज हुई थी बीस अक्टूबर दो हज़ार सिक्स में एंड टेन नवंबर दो हज़ार सिक्स में यूनाइटेड किंगडम में यह मूवी रिलीज हुई थी रनिंग टाइम की बात की जाए तो एक सौ तीस मिनट रनिंग टाइम आपको द प्रेस्टिस मूवी का देखने को मिल जाता है एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में सबसे पहले द प्रेस्टिस मूवी के बजट की बात की जाए तो फोर्टी फोर्टी मिलियन डॉलर की लागत में इस मूवी को बनाया गया है एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस 109.7 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आगे हम बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो कहाँ पर देखने को मिलेगी सबसे पहले द प्रेस्टिस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनर है अगर आपको साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द प्रस्टिस मूवी देख सकते हो बात किया दो हज़ार सिक्स में यह मूवी रिलीज़ हुई थी दो हज़ार सिक्स से लेकर काफ़ी लोग इस मूवी के फ़ैन भी हैं जो इस मूवी को हिंदी वर्जन में भी देखना चाहते हैं एंड काफ़ी लोग क्रिस्टोफर नॉलन के फ़ैन हैं जिन्होंने कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है वो लोग इस वजह से देखना चाहते हैं क्योंकि क्रिस्टोफर नॉलन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है बहुत ही अच्छा मूवी है अगर आप भी देखना चाहते हो तो जरूर से देख सकते हो साइंस फंट साइकोलॉजिकल थ्रिलर बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया गया है द मूवी को एंड बहुत ही अच्छा एक्ट्रेस ने काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में हुए जैकमैन देखने को मिल जाते हैं एंड को एक्ट्रेस में भी बहुत अच्छा काम किया है क्रिश्चियन बेल ने माइकल केन ने एंड स्कारलेट जॉनसन ने सभी टीम ने बहुत अच्छा काम किया थोड़ी बहुत कमियां देखने को मिल सकती है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो द प्रेस्टीज एक अच्छी मूवी है दो हज़ार सिक्स में काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते थे एंड काफ़ी हिट मूवी कह सकते हो कि उस समय यह काफी हिट मूवी रहा था तो अब बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द प्रेस्टीज मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी द प्रेस्टीज मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप द प्रेस्टीज मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो यह yeah, मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको द प्रेस्टिज़ मूवी का देखने को मिल जाएगा सो आप ज़रूर से देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है बहुत ही अच्छा मूवी है एंड बहुत अच्छा स्टोरी है द प्रेस्टिज़ मूवी का बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया गया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है एंड एक अच्छा स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है क्या स्टोरी है वो जानने के लिए आपको यह मूवी को देखना होगा आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बड़ी ही आसान से हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है इसके बॉक्स बॉक्सऑफ्स कलेक्शन से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने ज़्यादा लोग द प्रेस्टिज मूवी को पसंद करते हैं क्योंकि फोर्टी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने अप्रॉक्सीमेट एक सौ दस मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप जरूर से देख सकते हो तो आज का यह मूवी रिव्यू आपका अच्छा लगा हो तो एक बार इसको लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलता है किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज़ मूवी के बारे में काफ़ी लोग द प्रेस्टीज़ मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी द प्रेस्टीज़ मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द प्रेस्टीज़ 2006 ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द प्रेस्टीज मूवी को बनाया है साथ में आपको इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने बजट में द प्रेस्टीज मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन द प्रेस्टीज मूवी ने किया था सभी बातें आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं बताएंगे कि आपको प्रेस्टीज मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको प्रेस्टीज मूवी देख चाहिए तो क्या खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सभी डिटेल में बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज मूवी के बारे में अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नॉलन ने स्क्रीन पे की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी का स्क्रीन पे लिखा है जोनाथन नॉनल ने क्रिस्टोफर नॉलन ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज़ मूवी को प्रोड्यूस किया है एमा तो थॉमस ने एरन राइडर ने एंड क्रिस्टोफर नॉलन ने इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको प्रेस्टीज मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में हुज जैकमैन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाते हैं माइकल केन देखने को मिल जाते हैं स्कारलेट जोहसन देखने को मिल जाते हैं रेबिका हॉल देखने को मिल जाते हैं एंडी सार देखने को मिल जाते हैं डेविड बॉय देखने को मिल जाते हैं पाइपर पैराबोबो देखने को मिल जाते हैं द प्रेस्टिस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है बैली पी फिशर ने एडिटर की बात की है तो द प्रेस्टीज मूवी को एडिट किया है ली स्मिथ ने म्यूज़िक की बात की है तो दा प्रेस्टीज मूवी का म्यूज़िक किया है डेविड जुलियॉन ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की तो है तो द प्रेस्टीज मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं टच स्टोन पिक्चर्स वार्नर ब्रोज पिक्चर्स न्यू मार्किट फिल्म साइन कॉपी डिस्ट्रीब्यूटर की बात की है तो द प्रेस्टीज मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्यूना बिस्टा पिक्चर्स ने जिसने जिन्होंने की नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट किया था वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने इस मूवी को इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट किया है रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो द प्रेस्टिज मूवी रिलीज़ हुई थी बीस अक्टूबर दो हज़ार सिक्स में एंड टेन नवंबर दो हज़ार सिक्स में यूनाइटेड किंगडम में यह मूवी रिलीज़ हुई थी रनिंग टाइम की बात की जाए तो एक सौ तीस मिनट रनिंग टाइम आपको द प्रेस्टिस मूवी का देखने को मिल जाता है एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में सबसे पहले द प्रेस्टिस मूवी के बजट की बात की जाए तो फोर्टी फोर्टी मिलियन डॉलर की लागत में इस मूवी को बनाया गया है एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन एक 109.7 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आगे हम बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो कहाँ पर देखने को मिलेगी सबसे पहले द प्रेस्टिस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनर है अगर आपको साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द प्रेस्टिज़ मूवी देख सकते हो बात किया दो हज़ार सिक्स में यह मूवी रिलीज़ हुई थी दो हज़ार सिक्स से लेकर काफ़ी लोग इस मूवी के फ़ैन भी हैं जो इस मूवी को हिंदी वर्जन में भी देखना चाहते हैं एंड काफ़ी लोग क्रिस्टोफर नॉलन के फ़ैन हैं जिन्होंने कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है वो लोग इस वजह से देखना चाहते हैं क्योंकि क्रिस्टोफर नॉलन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है बहुत ही अच्छा मूवी है अगर आप भी देखना चाहते हो तो जरूर से देख सकते हो साइंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया गया है द मूवी को एंड बहुत ही अच्छा एक्ट्रेस ने काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में जैकमैन देखने को मिल जाते हैं एंड को एक्ट्रेस में भी बहुत अच्छा काम किया है क्रिश्चियन बेल ने माइकल केन ने एंड स्कारलेट जॉनसन ने सभी टीम ने बहुत अच्छा काम किया थोड़ी बहुत कमियां देखने को मिल सकती है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो द प्रेस्टीज एक अच्छी मूवी है दो हज़ार सिक्स में काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते थे एंड काफ़ी हिट मूवी कह सकते हो कि उस समय यह काफ़ी हिट मूवी रहा था तो अब बात कर लेते कि कहाँ पर आपको द प्रेस्टीज मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी द प्रेस्टीज मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप द प्रेस्टीज मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो यह yeah, मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको द प्रेस्टिज मूवी का देखने को मिल जाएगा सो आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवीज देखना पसंद है बहुत ही अच्छा मूवी है एंड बहुत अच्छा स्टोरी है द प्रेस्टिज मूवी का बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया गया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है एंड एक अच्छा स्टोरी है आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है क्या स्टोरी है वो जानने के लिए आपको यह मूवी को देखना होगा आप जरूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बड़ी ही आसानी से हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है इसके बॉक्स बॉक्सऑफ कलेक्शन से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने ज़्यादा लोग द प्रेस्टीज़ मूवी को पसंद करते हैं क्योंकि फोर्टी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने अप्रॉक्सीमेट एक मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप ज़रूर से देख सकते हो तो आज का यह मूवी रिव्यू आपका अच्छा लगा हो तो एक बार इसको लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है तब तक के लिए ओके भाई जय हिंद बंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज़ मूवी के बारे में काफ़ी लोग द प्रेस्टीज़ मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी द प्रेस्टीज मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द प्रेस्टीज 2006 थाउजेंड ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द प्रेस्टीज मूवी को बनाया है साथ में आपको इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने बजट में द प्रेस्टीज मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन द प्रेस्टीज मूवी ने किया था सभी बातें आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं बताएंगे कि आपको प्रेस्टीज मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको प्रेस्टीज मूवी देख नहीं चाहिए तो क्या खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सभी डिटेल में बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज मूवी के बारे में अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नॉलन ने स्क्रीन पे की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी का स्क्रीन पे लिखा है जोनाथन नॉनल ने क्रिस्टोफर नॉलन ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द प्रेस्टिज मूवी को प्रोड्यूस किया है एमा तो थॉमस ने एरन राइडर ने एंड क्रिस्टोफर नॉलन ने इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको प्रेस्टीज मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में हुज जैकमैन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाते हैं माइकल केन देखने को मिल जाते हैं स्कारलेट जोहसन देखने को मिल जाते हैं रेबिका हॉल देखने को मिल जाते हैं एंटी सैरकिस देखने को मिल जाते हैं डेविड बॉय देखने को मिल जाते हैं पाइपर पैराबोबो देखने को मिल जाते हैं द प्रेस्टिस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है बैली पी फिशरटर ने एडिटर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को एडिट किया है तो ली स्मिथ ने म्यूजिक की बात की है तो द प्रेस्टीज मूवी का म्यूजिक किया है डेविड जूलियन ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की तो है तो द प्रेस्टीज मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं टच स्टोन पिक्चर्स वार्नर ब्रोज पिक्चर्स न्यू मार्केट फिल्म साइन कॉपी डिस्ट्रीब्यूटर की बात की है तो द प्रेस्टीज मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्यूना बिस्टा पिक्चर्स ने जिसने जिन्होंने की नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट किया था वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने इस मूवी को इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट किया है रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो द प्रेस्टीज़ मूवी रिलीज़ हुई थी बीस अक्टूबर दो हज़ार सिक्स में एंड टेन नवंबर दो हज़ार सिक्स में यूनाइटेड किंगडम में यह मूवी रिलीज़ हुई थी रनिंग टाइम की बात की है तो एक सौ तीस मिनट रनिंग टाइम आपको द प्रेस्टिस मूवी का देखने को मिल जाता है एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले द प्रेस्टीज मूवी के बजट की बात की जाए तो फोर्टी फोर्टी मिलियन डॉलर की लागत में इस मूवी को बनाया गया है एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन है 109.7 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आगे हम बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो कहाँ पर देखने को मिलेगी सबसे पहले द प्रेस्टिज़ मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनर है अगर आपको साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द प्रेस्टिज़ मूवी देख सकते हो बात किया दो हज़ार सिक्स में यह मूवी रिलीज़ हुई थी दो हज़ार सिक्स से लेकर काफ़ी लोग इस मूवी के फ़ैन भी हैं जो इस मूवी को हिंदी वर्जन में भी देखना चाहते हैं एंड काफ़ी लोग क्रिस्टोफर नॉलन के फ़ैन हैं जिन्होंने कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है वो लोग इस वजह से देखना चाहते हैं क्योंकि क्रिस्टोफर नॉलन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है बहुत ही अच्छा मूवी है अगर आप भी देखना चाहते हो तो जरूर से देख सकते हो साइंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर बहुत बहुत ही ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया गया है द मूवी को एंड अच्छा एक्ट्रेस ने काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में जैकमैन देखने को मिल जाते हैं एंड को एक्ट्रेस में भी बहुत अच्छा काम किया है क्रिश्चियन बेल ने माइकल केन ने एंड स्कारलेट जॉनसन ने सभी टीम ने बहुत अच्छा काम किया थोड़ी बहुत कमियां देखने को मिल सकती है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो द प्रेस्टीज एक अच्छी मूवी है दो हज़ार सिक्स में काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते थे एंड काफ़ी हिट मूवी कह सकते हो कि उस समय ये काफ़ी हिट मूवी रहा था तो अब बात कर लेते कि कहाँ पर आपको द प्रेस्टिज मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी द प्रेस्टिज मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप द प्रेस्टिज मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो यह yeah, मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको द प्रेस्टिज़ मूवी का देखने को मिल जाएगा सो आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है बहुत ही अच्छा मूवी है एंड बहुत अच्छा स्टोरी है द प्रेस्टिज़ मूवी का बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया गया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है एंड एक अच्छा स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है क्या स्टोरी है वो जानने के लिए आपको यह मूवी को देखना होगा आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बड़ी ही आसान से हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने ज्यादा लोग द मूवी को पसंद करते हैं क्योंकि फोर्टी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने अप्रॉक्सीमेट एक सौ दस मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप जरूर से देख सकते हो तो आज का यह मूवी रिव्यू आपका अच्छा लगा हो तो एक बार इसको लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज मूवी के बारे में काफ़ी लोग द प्रेस्टीज़ मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी द प्रेस्टीज़ मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहे तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द प्रेस्टीज 2006 थाउजेंड ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द प्रेस्टीज मूवी को बनाया है साथ में आपको इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने बजट में द प्रेस्टीज़ मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ्स कलेक्शन द प्रेस्टीज मूवी ने किया था सभी बातें आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं बताएंगे कि आपको प्रेस्टीज़ मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको प्रेस्टीज मूवी देखनी चाहिए तो क्या खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सभी डिटेल में बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज मूवी के बारे में अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नॉलन ने स्क्रीन पे की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी का स्क्रीन पे लिखा है लॉनर नॉनल ने क्रिस्टोफर नॉलन ने, ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को प्रोड्यूस किया है एमा थॉमस ने एरोन राइडर ने एंड क्रिस्टोफर नॉलन ने इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते कि कौन से एक्टर आपको प्रेस्टिस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में हुज जैकमैन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाते हैं माइकल केन देखने को मिल जाते हैं स्कारलेट जोहसन देखने को मिल जाते हैं रेबिका हॉल देखने को मिल जाते हैं एंटी सैरकिस देखने को मिल जाते हैं डेविड बॉय देखने को मिल जाते हैं पाइपर पैराबोबो देखने को मिल जाते हैं द प्रेस्टिस मूवी में सनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सनेमाटोग्राफी की है बैली पी फिशर ने एडिटर की बात की है तो दा प्रेस्टीज मूवी को एडिट किया है ली स्मिथ ने म्यूज़िक की बात की, या तो की या है तो द प्रेस्टीज़ मूवी का म्यूज़िक किया है डेविड जुलियॉन ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की या तो है तो द प्रस्टीज मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं टच स्टोन पिक्चर्स वार्नर ब्रोज पिक्चर्स न्यू मार्केट फिल्म साइन कॉपी डिस्ट्रीब्यूटर की बात की या तो द प्रस्टीज मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्यूना बिस्टा पिक्चर्स ने जिसने जिन्होंने कि नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट किया था वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने इस मूवी को इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट किया है रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो द प्रेस्टिज मूवी रिलीज़ हुई थी बीस अक्टूबर दो हज़ार सिक्स में एंड टेन नवंबर दो हज़ार सिक्स में यूनाइटेड किंगडम में यह मूवी रिलीज हुई थी रनिंग टाइम की बात की है तो एक सौ तीस मिनट रनिंग टाइम आपको द प्रेस्टिस मूवी का देखने को मिल जाता है एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले द प्रेस्टिस मूवी के बजट की बात की जाए तो फोर्टी फोर्टी मिलियन डॉलर की लागत में इस मूवी को बनाया गया है एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन 109.7 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आगे हम बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो कहाँ पर देखने को मिलेगी सबसे पहले द प्रेस्टिस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जॉनर है अगर आपको साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द प्रेस्टिज़ मूवी देख सकते हो बात किया दो हज़ार सिक्स में यह मूवी रिलीज़ हुई थी दो हज़ार सिक्स से लेकर काफ़ी लोग इस मूवी के फैन भी हैं जो इस मूवी को हिंदी वर्जन में भी देखना चाहते हैं एंड काफ़ी लोग क्रिस्टोफर नॉलन के फ़ैन हैं जिन्होंने कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है वो लोग इस वजह से देखना चाहते हैं क्योंकि क्रिस्टोफर नॉलन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है बहुत ही अच्छा मूवी है अगर आप भी देखना चाहते हो तो जरूर से देख सकते हो साइंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया गया है द मूवी को एंड बहुत ही अच्छा एक्ट्रेस ने काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में जैकमैन देखने को मिल जाते हैं एंड को एक्ट्रेस में भी बहुत अच्छा काम किया है क्रिश्चियन बेल ने माइकल केन ने एंड स्कारलेट जॉनसन ने सभी टीम ने बहुत अच्छा काम किया थोड़ी बहुत कमियां देखने को मिल सकती है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो द प्रेस्टिज एक अच्छी मूवी है दो हज़ार सिक्स में काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते थे एंड काफ़ी हिट मूवी कह सकते हो कि उस समय यह काफ़ी हिट मूवी रहा था तो अब बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द प्रेस्टिज मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी द प्रेस्टिज मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप द प्रेस्टिज मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो यह yeah, मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको द प्रेस्टिज मूवी का देखने को मिल जाएगा सो आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है बहुत ही अच्छा मूवी है एंड बहुत अच्छा स्टोरी है द प्रेस्टिज मूवी का बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी का डायरेक्ट भी किया गया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है एंड एक अच्छा स्टोरी है आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है क्या स्टोरी है वो जानने के लिए आपको यह मूवी को देखना होगा आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बड़ी ही आसानी से हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है इसके बॉक्स बॉक्सऑफ कलेक्शन से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने ज्यादा लोग द मूवी को पसंद करते हैं क्योंकि फोर्टी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने अप्रॉक्सीमेट एक सौ दस मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप जरूर से देख सकते हो तो आज का यह मूवी रिव्यू आपका अच्छा लगा हो तो एक बार इसको लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज मूवी के बारे में काफ़ी लोग द प्रेस्टीज़ मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी द प्रेस्टीज़ मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द प्रेस्टीज 2006 थाउजेंड ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द प्रेस्टीज़ मूवी को बनाया है साथ में आपको इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने बजट में द प्रेस्टीज़ मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन द प्रेस्टीज मूवी ने किया था सभी बातें आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं बताएंगे कि आपको प्रेस्टीज़ मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको प्रेस्टीज़ मूवी देखनी चाहिए तो क्या खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सभी डिटेल में बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज मूवी के बारे में अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नॉलन ने स्क्रीन पे की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी का स्क्रीन पे लिखा है जोनाथन लॉनर नॉनल ने क्रिस्टोफर नॉलन ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को प्रोड्यूस किया है एमा थॉमस ने एरन राइडर ने एंड क्रिस्टोफर नॉलन ने इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते कि कौन से एक्टर आपको प्रेस्टिस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में हुज जैकमैन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाते हैं माइकल केन देखने को मिल जाते हैं स्कारलेट जोहसन देखने को मिल जाते हैं रेबिका हॉल देखने को मिल जाते हैं एंटी सैरकिस देखने को मिल जाते हैं डेविड बॉय देखने को मिल जाते हैं पाइपर पैराबोबो देखने को मिल जाते हैं द प्रेस्टिस मूवी में सनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सनेमाटोग्राफी की है बैली पी फिशर ने एडिटर की बात की है तो धा प्रेस्टिज मूवी एडिट किया है ली स्मिथ ने म्यूज़िक की बात की है तो द प्रेस्टीज मूवी का म्यूज़िक किया है डेविड जूलियन ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की है तो द प्रेस्टीज मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं टच स्टोन पिक्चर्स वार्नर ब्रोज पिक्चर्स न्यू मार्केट फिल्म साइन कॉपी डिस्ट्रीब्यूटर की बात की है तो द प्रेस्टीज मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्यूना बिस्टा पिक्चर्स ने जिसने जिन्होंने की नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट किया था वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने इस मूवी को इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट किया है रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी रिलीज हुई थी बीस अक्टूबर दो हज़ार सिक्स में एंड टेन नवंबर दो हज़ार सिक्स में यूनाइटेड किंगडम में यह मूवी रिलीज हुई थी रनिंग टाइम की बात की जाए तो एक सौ तीस मिनट रनिंग टाइम आपको द प्रेस्टिस मूवी का देखने को मिल जाता है एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले द प्रेस्टिज मूवी के बजट की बात की जाए तो फोर्टी फोर्टी मिलियन डॉलर की लागत में इस मूवी को बनाया गया है एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन 109.7 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आगे हम बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो कहाँ पर देखने को मिलेगी सबसे पहले द प्रेस्टिस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जॉनर है अगर आपको साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो जरूर से आप द प्रेस्टिस मूवी देख सकते हो बात किया दो हज़ार सिक्स में यह मूवी रिलीज़ हुई थी दो हज़ार सिक्स से लेकर काफ़ी लोग इस मूवी के फैन भी हैं जो इस मूवी को हिंदी वर्जन में भी देखना चाहते हैं एंड काफ़ी लोग क्रिस्टोफर नॉलन के फ़ैन हैं जिन्होंने कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है वो लोग इस वजह से देख चाहते हैं क्योंकि क्रिस्टोफर नॉलन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है बहुत ही अच्छा मूवी है अगर आप भी देखना चाहते हो तो जरूर से देख सकते हो साइंस फंट साइकोलॉजिकल थ्रिलर बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया गया है द मूवी को एंड बहुत ही अच्छा एक्ट्रेस ने काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में जैकमैन देखने को मिल जाते हैं एंड को एक्ट्रेस में भी बहुत अच्छा काम किया है क्रिश्चियन बेल ने माइकल केन ने एंड स्कारलेट जॉनसन ने सभी टीम ने बहुत अच्छा काम किया थोड़ी बहुत कमियां देखने को मिल सकती है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो द प्रेस्टीज एक अच्छी मूवी है दो हज़ार सिक्स में काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते थे एंड काफ़ी हिट मूवी कह सकते हो कि उस समय यह काफ़ी हिट मूवी रहा था तो अब बात कर लेते कि कहाँ पर आपको द प्रेस्टीज मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी द प्रेस्टीज मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप द प्रेस्टीज मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो यह yeah, मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको द प्रेस्टिज मूवी का देखने को मिल जाएगा सो आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवीज देखना पसंद है बहुत ही अच्छा मूवी है एंड बहुत अच्छा स्टोरी है द प्रेस्टिज़ मूवी का बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी का डायरेक्ट भी किया गया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है एंड एक अच्छा स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है क्या स्टोरी है वो जानने के लिए आपको यह मूवी को देखना होगा आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बड़ी ही आसानी से हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है इसके बॉक्स कलेक्शन से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने ज्यादा लोग द मूवी को पसंद करते हैं क्योंकि मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस अप्रॉक्सीमेट एक सौ दस मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप जरूर से देख सकते हो तो आज का यह मूवी रिव्यू आपका अच्छा लगा हो तो एक बार इसको लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज़ मूवी के बारे में काफ़ी लोग द प्रेस्टीज़ मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी द प्रेस्टीज मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द प्रेस्टीज 2006 थाउजेंड ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द प्रेस्टीज मूवी को बनाया है साथ में आपको इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने बजट में द प्रेस्टीज मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन द प्रेस्टीज मूवी ने किया था सभी बातें आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं बताएंगे कि आपको प्रेस्टीज मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको प्रेस्टीज मूवी देखनी चाहिए तो क्या खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सभी डिटेल में बात करने वाले हैं द मूवी के बारे में अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नॉलन ने स्क्रीन पे की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी का स्क्रीन पे लिखा है ने क्रिस्टोफर नॉलन ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को प्रोड्यूस किया है एमा तो थॉमस ने एरन राइडर ने एंड क्रिस्टोफर नॉलन ने इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते कि कौन से एक्टर आपको प्रेस्टीज मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में हुज जैकमैन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाते हैं माइकल केन देखने को मिल जाते हैं स्कारलेट जोनसन देखने को मिल जाते हैं रेबिका हॉल देखने को मिल जाते हैं एंटी सैरकिस देखने को मिल जाते हैं डेविड बॉय देखने को मिल जाते हैं पाइपर पैराबोबो देखने को मिल जाते हैं द प्रेस्टिस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है बैली पी फिशर ने एडिटर की बात की है तो द प्रेस्टीज मूवी को एडिट किया है ली स्मिथ ने म्यूज़िक की बात की है तो दा प्रेस्टीज़ मूवी का म्यूज़िक किया है डेविड जुलियॉन ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की तो है तो द प्रेस्टीज मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं टच स्टोन पिक्चर्स वार्नर ब्रोज पिक्चर्स न्यू मार्किट फिल्म साइन कॉपी डिस्ट्रीब्यूटर की बात की है तो द प्रेस्टीज मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्यूना बिस्टा पिक्चर्स ने जिसने जिन्होंने कि नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट किया था वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने इस मूवी को इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट किया है रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी रिलीज़ हुई थी बीस अक्टूबर दो हज़ार सिक्स में एंड टेन नवंबर दो हज़ार सिक्स में यूनाइटेड किंगडम में यह मूवी रिलीज हुई थी रनिंग टाइम की बात की जाए तो एक सौ तीस मिनट रनिंग टाइम आपको द प्रेस्टिस मूवी का देखने को मिल जाता है एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में सबसे पहले द प्रेस्टिस मूवी के बजट की बात की जाए तो फोर्टी फोर्टी मिलियन डॉलर की लागत में इस मूवी को बनाया गया है एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस 109.7 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आगे हम बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो कहाँ पर देखने को मिलेगी सबसे पहले द प्रेस्टिस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनर है अगर आपको साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द प्रस्टिस मूवी देख सकते हो बात किया दो हज़ार सिक्स में यह मूवी रिलीज़ हुई थी दो हज़ार सिक्स से लेकर काफ़ी लोग इस मूवी के फ़ैन भी हैं जो इस मूवी को हिंदी वर्जन में भी देखना चाहते हैं एंड काफ़ी लोग क्रिस्टोफर नॉलन के फ़ैन हैं जिन्होंने कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है वो लोग इस वजह से देखना चाहते हैं क्योंकि क्रिस्टोफर नॉलन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है बहुत ही अच्छा मूवी है अगर आप भी देखना चाहते हो तो जरूर से देख सकते हो साइंस फंट साइकोलॉजिकल थ्रिलर बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया गया है द मूवी को एंड बहुत ही अच्छा एक्ट्रेस ने काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में हुए जैकमैन देखने को मिल जाते हैं एंड को एक्ट्रेस में भी बहुत अच्छा काम किया है क्रिश्चियन बेल ने माइकल केन ने एंड स्कारलेट जॉनसन ने सभी टीम ने बहुत अच्छा काम किया थोड़ी बहुत कमियां देखने को मिल सकती है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो द प्रेस्टीज एक अच्छी मूवी है दो हज़ार सिक्स में काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते थे एंड काफ़ी हिट मूवी कह सकते हो कि उस समय यह काफी हिट मूवी रहा था तो अब बात कर लेते कि कहाँ पर आपको द प्रेस्टीज मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी द प्रेस्टीज मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप द प्रेस्टीज मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो यह yeah, मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको द प्रेस्टिज मूवी का देखने को मिल जाएगा सो आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है बहुत ही अच्छा मूवी है एंड बहुत अच्छा स्टोरी है द प्रेस्टिज मूवी का बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया गया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है एंड एक अच्छा स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है क्या स्टोरी है वो जानने के लिए आपको यह मूवी को देखना होगा आप जरूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बड़ी ही आसानी से हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने ज़्यादा लोग द दाप्रेस्टिज मूवी को पसंद करते हैं क्योंकि फोर्टी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने अप्रॉक्सीमेट एक सौ दस मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप जरूर से देख सकते हो तो आज का यह मूवी रिव्यू आपका अच्छा लगा हो तो एक बार इसको लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज़ मूवी के बारे में काफ़ी लोग द प्रेस्टीज़ मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी द प्रेस्टीज मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द प्रेस्टीज 2006 ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द प्रेस्टीज मूवी को बनाया है साथ में आपको इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने बजट में द प्रेस्टीज मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन द प्रेस्टीज मूवी ने किया था सभी बातें आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं बताएंगे कि आपको प्रेस्टीज मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको प्रेस्टीज मूवी देख चाहिए तो क्या खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सभी डिटेल में बात करने वाले हैं द प्रस्टीज मूवी के बारे में अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नॉलन ने स्क्रीन पे की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी का स्क्रीन पे लिखा है जोनाथन नॉनल ने क्रिस्टोफर नॉलन ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज़ मूवी को प्रोड्यूस किया है एमा तो थॉमस ने एरन राइडर ने एंड क्रिस्टोफर नॉलन ने इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको प्रेस्टीज मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में हुज जैकमैन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाते हैं माइकल केन देखने को मिल जाते हैं स्कारलेट जोहसन देखने को मिल जाते हैं रेबिका हॉल देखने को मिल जाते हैं एंटी सार देखने को मिल जाते हैं डेविड बॉय देखने को मिल जाते हैं पाइपर पैराबोबो देखने को मिल जाते हैं द प्रेस्टिस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है बैली पी फिशर ने एडिटर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को एडिट किया ली स्मिथ ने म्यूजिक की बात की या तो द प्रेस्टीज मूवी का म्यूजिक किया है डेविड जुलि�यन ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की या तो द प्रेस्टीज मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं टच स्टोन पिक्चर्स वार्नर ब्रोज पिक्चर्स न्यू मार्केट फिल्म साइन कॉपी डिस्ट्रीब्यूटर की बात की है तो द प्रेस्टीज़ मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्यूना बिस्टा पिक्चर्स ने जिसने जिन्होंने कि नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट किया था वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने इस मूवी को इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट किया है रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो द प्रेस्टीज़ मूवी रिलीज़ हुई थी बीस अक्टूबर दो हज़ार सिक्स में एंड टेन नवंबर दो हज़ार सिक्स में यूनाइटेड किंगडम में यह मूवी रिलीज़ हुई थी रनिंग टाइम की बात की जाए तो एक सौ तीस मिनट रनिंग टाइम आपको द प्रेस्टिस मूवी का देखने को मिल जाता है एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में सबसे पहले द प्रेस्टिस मूवी के बजट की बात की जाए तो फोर्टी फोर्टी मिलियन डॉलर की लागत में इस मूवी को बनाया गया है एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन एक 109.7 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आगे हम बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो कहाँ पर देखने को मिलेगी सबसे पहले द प्रेस्टिस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनर है अगर आपको साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द प्रेस्टिज़ मूवी देख सकते हो बात किया दो हज़ार सिक्स में यह मूवी रिलीज़ हुई थी दो हज़ार सिक्स से लेकर काफ़ी लोग इस मूवी के फ़ैन भी हैं जो इस मूवी को हिंदी वर्जन में भी देखना चाहते हैं एंड काफ़ी लोग क्रिस्टोफर नॉलन के फ़ैन हैं जिन्होंने कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है वो लोग इस वजह से देखना चाहते हैं क्योंकि क्रिस्टोफर नॉलन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है बहुत ही अच्छा मूवी है अगर आप भी देखना चाहते हो तो जरूर से देख सकते हो साइंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया गया है द मूवी को एंड बहुत ही अच्छा एक्ट्रेस ने काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में जैकमैन देखने को मिल जाते हैं एंड को एक्ट्रेस में भी बहुत अच्छा काम किया है क्रिश्चियन बेल ने माइकल केन ने एंड स्कारलेट जॉनसन ने सभी टीम ने बहुत अच्छा काम किया थोड़ी बहुत कमियां देखने को मिल सकती है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो द प्रेस्टीज एक अच्छी मूवी है दो हज़ार सिक्स में काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते थे एंड काफ़ी हिट मूवी कह सकते हो कि उस समय यह काफ़ी हिट मूवी रहा था तो अब बात कर लेते कि कहाँ पर आपको द प्रेस्टीज मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी द प्रेस्टीज मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप द प्रेस्टीज मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो यह yeah, मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको द प्रेस्टिज़ मूवी का देखने को मिल जाएगा सो आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है बहुत ही अच्छा मूवी है एंड बहुत अच्छा स्टोरी है द प्रेस्टिज़ मूवी का बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया गया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है एंड एक अच्छा स्टोरी है आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है क्या स्टोरी है वो जानने के लिए आपको यह मूवी को देखना होगा आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बड़ी ही आसान से हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है इसके बॉक्स बॉक्सऑफ कलेक्शन से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने ज्यादा लोग द मूवी को पसंद करते हैं क्योंकि फोर्टी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने अप्रॉक्सीमेट एक मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप जरूर से देख सकते हो तो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इसको लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बात जय हिंद बंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज मूवी के बारे में काफ़ी लोग द प्रेस्टीज़ मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी द प्रेस्टीज़ मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहे तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द प्रेस्टीज 2006 थाउजेंड ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द प्रेस्टीज मूवी को बनाया है साथ में आपको इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने बजट में द प्रेस्टीज मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन द प्रेस्टीज मूवी ने किया था सभी बातें आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं बताएंगे कि आपको प्रेस्टीज मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको प्रेस्टीज मूवी देखनी चाहिए तो क्या खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सभी डिटेल में बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज मूवी के बारे में अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर तो नॉलन ने स्क्रीन पे की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी का स्क्रीन पे लिखा है जोनाथन नॉनल ने क्रिस्टोफर नॉलन ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को प्रोड्यूस किया है एमा तो थॉमस ने एरोन राइडर ने एंड क्रिस्टोफर नॉलन ने इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते कि कौन से एक्टर आपको प्रेस्टिस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में हुज जैकमैन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाते हैं माइकल केन देखने को मिल जाते हैं स्कारलेट जोहसन देखने को मिल जाते हैं रेबिका हॉल देखने को मिल जाते हैं एंडी सार्किस देखने को मिल जाते हैं डेविड बॉय देखने को मिल जाते हैं पाइपर पैराबोबो देखने को मिल जाते हैं द प्रेस्टिस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है बैली पी फिशर ने एडिटर की बात की है तो दा प्रेस्टीज मूवी को एडिट किया है ली स्मिथ ने म्यूज़िक की बात की है तो द प्रेस्टीज मूवी का म्यूज़िक किया है डेविड जुलियॉन ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की तो है तो द प्रेस्टीज मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं टच स्टोन पिक्चर्स वार्नर ब्रोज पिक्चर्स न्यू मार्केट फिल्म साइन कॉपी डिस्ट्रीब्यूटर की बात की तो द प्रस्टीज मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्यूना बिस्टा पिक्चर्स ने जिसने जिन्होंने कि नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट किया था वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने इस मूवी को इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट किया है रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो द प्रेस्टीज़ मूवी रिलीज़ हुई थी बीस अक्टूबर दो हज़ार सिक्स में एंड टेन नवंबर दो हज़ार सिक्स में यूनाइटेड किंगडम में यह मूवी रिलीज़ हुई थी रनिंग टाइम की बात की है तो एक सौ तीस मिनट रनिंग टाइम आपको द प्रेस्टिस मूवी का देखने को मिल जाता है एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले द प्रेस्टीज मूवी के बजट की बात की जाए तो फोर्टी फोर्टी मिलियन डॉलर की लागत में इस मूवी को बनाया गया है एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन है 109.7 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आगे हम बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो कहाँ पर देखने को मिलेगी सबसे पहले द प्रेस्टिज़ मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनर है अगर आपको साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द प्रेस्टिज़ मूवी देख सकते हो बात किया दो हज़ार सिक्स में यह मूवी रिलीज़ हुई थी दो हज़ार सिक्स से लेकर काफ़ी लोग इस मूवी के फ़ैन भी हैं जो इस मूवी को हिंदी वर्जन में भी देखना चाहते हैं एंड काफ़ी लोग क्रिस्टोफर नॉलन के फ़ैन हैं जिन्होंने कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है वो लोग इस वजह से देखना चाहते हैं क्योंकि क्रिस्टोफर नॉलन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है बहुत ही अच्छा मूवी है अगर आप भी देखना चाहते हो तो जरूर से देख सकते हो साइंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर बहुत बहुत ही ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया गया है द मूवी को एंड अच्छा एक्ट्रेस ने काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में जैकमैन देखने को मिल जाते हैं एंड को एक्ट्रेस में भी बहुत अच्छा काम किया है क्रिश्चियन बेल ने माइकल केन ने एंड स्कारलेट जॉनसन ने सभी टीम ने बहुत अच्छा काम किया थोड़ी बहुत कमियां देखने को मिल सकती है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो द प्रेस्टीज एक अच्छी मूवी है दो हज़ार सिक्स में काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते थे एंड काफ़ी हिट मूवी कह सकते हो कि उस समय ये काफ़ी हिट मूवी रहा था तो अब बात कर लेते कि कहाँ पर आपको द प्रेस्टिज मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी द प्रेस्टिज मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप द प्रेस्टिज मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो यह yeah, मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको द प्रेस्टिज़ मूवी का देखने को मिल जाएगा सो आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है बहुत ही अच्छा मूवी है एंड बहुत अच्छा स्टोरी है द प्रेस्टिज़ मूवी का बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया गया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है एंड एक अच्छा स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है क्या स्टोरी है वो जानने के लिए आपको यह मूवी को देखना होगा आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बड़ी ही आसान से हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने ज्यादा लोग द मूवी को पसंद करते हैं क्योंकि फोर्टी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने अप्रॉक्सीमेट एक मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप जरूर से देख सकते हो तो आज का यह मूवी रिव्यू आपका अच्छा लगा हो तो एक बार इसको लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय हिंद बंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज मूवी के बारे में काफ़ी लोग द प्रेस्टीज़ मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी द प्रेस्टीज़ मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहे तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द प्रेस्टीज 2006 थाउजेंड ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द प्रेस्टीज मूवी को बनाया है साथ में आपको इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने बजट में द प्रेस्टीज़ मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ्स कलेक्शन द प्रेस्टीज मूवी ने किया था सभी बातें आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं बताएंगे कि आपको प्रेस्टीज़ मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको प्रेस्टीज मूवी देखनी चाहिए तो क्या खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सभी डिटेल में बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज मूवी के बारे में अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नॉलन ने स्क्रीन पे की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी का स्क्रीन पे लिखा है लॉनर नॉनल ने क्रिस्टोफर नॉलन ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को प्रोड्यूस किया है एमा थॉमस ने एरोन राइडर ने एंड क्रिस्टोफर नॉलन ने इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते कि कौन से एक्टर आपको प्रेस्टिस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में हुज जैकमैन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाते हैं माइकल केन देखने को मिल जाते हैं स्कारलेट जोहसन देखने को मिल जाते हैं रेबिका हॉल देखने को मिल जाते हैं एंटी सार्किस देखने को मिल जाते हैं डेविड बॉय देखने को मिल जाते हैं पाइपर पैराबोबो देखने को मिल जाते हैं द प्रेस्टिस मूवी में सनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सनेमाटोग्राफी की है बैली पी फिशर ने एडिटर की बात की है तो द प्रेस्टीज मूवी को एडिट किया है ली स्मिथ ने म्यूज़िक की बात की तो द प्रेस्टीज मूवी का म्यूजिक किया है डेविड जुलियॉन ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की तो है तो द प्रेस्टीज मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं टच स्टोन पिक्चर्स वार्नर ब्रोज पिक्चर्स न्यू मार्केट फिल्म साइन कॉपी डिस्ट्रीब्यूटर की बात की तो द प्रेस्टीज मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्यूना बिस्टा पिक्चर्स ने जिसने जिन्होंने की नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट किया था वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने इस मूवी को इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट किया है रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी रिलीज हुई थी बीस अक्टूबर दो हज़ार सिक्स में एंड टेन नवंबर दो हज़ार सिक्स में यूनाइटेड किंगडम में यह मूवी रिलीज़ हुई थी रनिंग टाइम की बात की जाए तो एक सौ तीस मिनट रनिंग टाइम आपको द प्रेस्टिस मूवी का देखने को मिल जाता है एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले द प्रेस्टिज मूवी के बजट की बात की जाए तो फोर्टी फोर्टी मिलियन डॉलर की लागत में इस मूवी को बनाया गया है एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द प्रेस्टिज मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस 109.7 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आगे हम बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो कहाँ पर देखने को मिलेगी सबसे पहले द प्रस्टिस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का साइंस फैंटासी साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनर है अगर आपको साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द प्रेस्टिज़ मूवी देख सकते हो बात किया दो हज़ार सिक्स में यह मूवी रिलीज़ हुई थी दो हज़ार सिक्स से लेकर काफ़ी लोग इस मूवी के फ़ैन भी हैं जो इस मूवी को हिंदी वर्जन में भी देखना चाहते हैं एंड काफ़ी लोग क्रिस्टोफर नॉलन के फ़ैन हैं जिन्होंने कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है वो लोग इस वजह से देख चाहते हैं क्योंकि क्रिस्टोफर नॉलन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है बहुत ही अच्छा मूवी है अगर आप भी देखना चाहते हो तो जरूर से देख सकते हो साइंस फंट साइकोलॉजिकल थ्रिलर बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया गया है द मूवी को एंड बहुत ही अच्छा एक्ट्रेस ने काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में जैकमैन देखने को मिल जाते हैं एंड को एक्ट्रेस में भी बहुत अच्छा काम किया है क्रिश्चियन बेल ने माइकल केन ने एंड स्कारलेट जॉनसन ने सभी टीम ने बहुत अच्छा काम किया थोड़ी बहुत कमियां देखने को मिल सकती है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो द प्रेस्टीज एक अच्छी मूवी है दो हज़ार सिक्स में काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते थे एंड काफ़ी हिट मूवी कह सकते हो कि उस समय यह काफ़ी हिट मूवी रहा था तो अब बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द प्रेस्टिज मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी द प्रेस्टिज मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप द प्रेस्टिज मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो यह yeah, मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको द प्रेस्टिज मूवी का देखने को मिल जाएगा सो आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है बहुत ही अच्छा मूवी है एंड बहुत अच्छा स्टोरी है द प्रेस्टिज मूवी का बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी का डायरेक्ट भी किया गया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है एंड एक अच्छा स्टोरी है आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है क्या स्टोरी है वो जानने के लिए आपको यह मूवी को देखना होगा आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बड़ी ही आसानी से हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने ज्यादा लोग द मूवी को पसंद करते हैं क्योंकि फोर्टी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने अप्रॉक्सीमेट एक सौ दस मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप जरूर से देख सकते हो तो आज का यह मूवी रिव्यू आपका अच्छा लगा हो तो एक बार इसको लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज़ मूवी के बारे में काफ़ी लोग द प्रेस्टीज़ मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी द प्रेस्टीज मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द प्रेस्टीज 2006 थाउजेंड ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द प्रेस्टीज मूवी को बनाया है साथ में आपको इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने बजट में द प्रेस्टीज मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑब्स कलेक्शन द प्रेस्टीज मूवी ने किया था सभी बातें आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं बताएंगे कि आपको प्रेस्टीज मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको प्रेस्टीज मूवी देखनी चाहिए तो क्या खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सभी डिटेल में बात करने वाले हैं द मूवी के बारे में अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नॉलन ने स्क्रीन पे की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी का स्क्रीन पे लिखा है जोनाथन नॉनल ने क्रिस्टोफर नॉलन ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को प्रोड्यूस किया है एमा तो थॉमस ने एरन राइडर ने एंड क्रिस्टोफर नॉलन ने इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते कि कौन से एक्टर आपको प्रेस्टीज़ मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में हुज जैकमैन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाते हैं माइकल केन देखने को मिल जाते हैं स्कारलेट जोहसन देखने को मिल जाते हैं रेबिका हॉल देखने को मिल जाते हैं एंटी सैरकिस देखने को मिल जाते हैं डेविड बॉय देखने को मिल जाते हैं पाइपर पैराबोबो देखने को मिल जाते हैं द प्रेस्टिस मूवी में सनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सनेमाटोग्राफी की है बैली पी फिशर ने एडिटर की बात की है तो धा प्रेस्टिज मूवी एडिट किया है ली स्मिथ ने म्यूज़िक की बात की है तो दा प्रेस्टीज़ मूवी का म्यूज़िक किया है डेविड जूलियन ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की तो है तो द प्रेस्टीज़ मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं टच स्टोन पिक्चर्स वार्नर ब्रोज पिक्चर्स न्यू मार्केट फिल्मस साइन कॉपी डिस्ट्रीब्यूटर की बात की है तो द प्रेस्टीज मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्यूना बिस्टा पिक्चर्स ने जिसने जिन्होंने कि नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट किया था वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने इस मूवी को इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट किया है रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी रिलीज हुई थी बीस अक्टूबर दो हज़ार सिक्स में एंड टेन नवंबर दो हज़ार सिक्स में यूनाइटेड किंगडम में यह मूवी रिलीज हुई थी रनिंग टाइम की बात किया तो एक सौ तीस मिनट रनिंग टाइम आपको द प्रेस्टिस मूवी का देखने को मिल जाता है एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले द प्रेस्टिज मूवी के बजट की बात की जाए तो फोर्टी फोर्टी मिलियन डॉलर की लागत में इस मूवी को बनाया गया है एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन 109.7 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आगे हम बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो कहाँ पर देखने को मिलेगी सबसे पहले द प्रेस्टिस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जॉनर है अगर आपको साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो जरूर से आप द प्रेस्टिस मूवी देख सकते हो बात किया दो हज़ार सिक्स में यह मूवी रिलीज़ हुई थी दो हज़ार सिक्स से लेकर काफ़ी लोग इस मूवी के फैन भी हैं जो इस मूवी को हिंदी वर्जन में भी देखना चाहते हैं एंड काफ़ी लोग क्रिस्टोफर नॉलन के फ़ैन हैं जिन्होंने कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है वो लोग इस वजह से देख चाहते हैं क्योंकि क्रिस्टोफर नॉलन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है बहुत ही अच्छा मूवी है अगर आप भी देखना चाहते हो तो जरूर से देख सकते हो साइंस फंट साइकोलॉजिकल थ्रिलर बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया गया है द मूवी को एंड बहुत ही अच्छा एक्ट्रेस ने काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में जैकमैन देखने को मिल जाते हैं एंड को एक्ट्रेस में भी बहुत अच्छा काम किया है क्रिश्चियन बेल ने माइकल केन ने एंड स्कारलेट जॉनसन ने सभी टीम ने बहुत अच्छा काम किया थोड़ी बहुत कमियां देखने को मिल सकती है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो द प्रेस्टीज एक अच्छी मूवी है दो हज़ार सिक्स में काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते थे एंड काफ़ी हिट मूवी कह सकते हो कि उस समय यह काफ़ी हिट मूवी रहा था तो अब बात कर लेते कि कहाँ पर आपको द प्रेस्टीज मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी द प्रेस्टीज मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप द प्रेस्टीज मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो यह yeah, मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको द प्रेस्टिज मूवी का देखने को मिल जाएगा सो आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवीज देखना पसंद है बहुत ही अच्छा मूवी है एंड बहुत अच्छा स्टोरी है द प्रेस्टिज मूवी का बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी का डायरेक्ट भी किया गया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है एंड एक अच्छा स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है क्या स्टोरी है वो जानने के लिए आपको यह मूवी को देखना होगा आप जरूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बढ़िया आसानी से हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने ज़्यादा लोग द दाप्रेस्टिज मूवी को पसंद करते हैं क्योंकि फोर्टी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने अप्रॉक्सीमेट एक सौ दस मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप जरूर से देख सकते हो तो आज का यह मूवी रिव्यू आपका अच्छा लगा हो तो एक बार इसको लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज़ मूवी के बारे में काफ़ी लोग द प्रेस्टीज़ मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी द प्रेस्टीज मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द प्रेस्टीज 2006 ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द प्रेस्टीज़ मूवी को बनाया है साथ में आपको इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने बजट में द प्रेस्टीज मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑब्स कलेक्शन द प्रेस्टीज मूवी ने किया था सभी बातें आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं बताएंगे कि आपको प्रेस्टीज मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको प्रेस्टीज मूवी देख नहीं चाहिए तो क्या खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सभी डिटेल में बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज मूवी के बारे में अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नॉलन ने स्क्रीन पे की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी का स्क्रीन पे लिखा है जोनाथन लॉनर नॉनल ने क्रिस्टोफर नॉलन ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को प्रोड्यूस किया है एमा तो थॉमस ने एरन राइडर ने एंड क्रिस्टोफर नॉलन ने इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते कि कौन से एक्टर आपको प्रेस्टीज मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में हुज जैकमैन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाते हैं माइकल केन देखने को मिल जाते हैं स्कारलेट जोनसन देखने को मिल जाते हैं रेबिका हॉल देखने को मिल जाते हैं एंटी सार्किस देखने को मिल जाते हैं डेविड बॉय देखने को मिल जाते हैं पाइपर पैराबोबो देखने को मिल जाते हैं द प्रेस्टिस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सीनेमाटोग्राफी की है बैली पी फिशरटर ने एडिटर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को एडिट किया ली स्मिथ ने म्यूजिक की बात की है तो प्रेस्टीज मूवी का म्यूजिक किया है डेविड जुल ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की तो द प्रेस्टीज मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है टच स्टोन पिक्चर्स वार्नर ब्रोज पिक्चर्स न्यू मार्केट फिल्म साइन कॉपी डिस्ट्रीब्यूटर की बात की है तो द प्रेस्टीज़ मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्यूना बिस्टा पिक्चर्स ने जिसने जिन्होंने कि नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट किया था वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने इस मूवी को इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट किया है रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो द प्रेस्टीज़ मूवी रिलीज़ हुई थी बीस अक्टूबर दो हज़ार सिक्स में एंड टेन नवंबर दो हज़ार सिक्स में यूनाइटेड किंगडम में यह मूवी रिलीज हुई थी रनिंग टाइम की बात की जाए तो एक सौ तीस मिनट रनिंग टाइम आपको द प्रेस्टिस मूवी का देखने को मिल जाता है एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में सबसे पहले द प्रेस्टिस मूवी के बजट की बात की जाए तो फोर्टी फोर्टी मिलियन डॉलर की लागत में इस मूवी को बनाया गया है एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस 109.7 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आगे हम बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो कहाँ पर देखने को मिलेगी सबसे पहले द प्रेस्टिस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनर है अगर आपको साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द प्रस्टिस मूवी देख सकते हो बात किया दो हज़ार सिक्स में यह मूवी रिलीज़ हुई थी दो हजार सिक्स से लेकर काफ़ी लोग इस मूवी के फ़ैन भी हैं जो इस मूवी को हिंदी वर्जन में भी देखना चाहते हैं एंड काफ़ी लोग क्रिस्टोफर नॉलन के फ़ैन हैं जिन्होंने कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है वो लोग इस वजह से देखना चाहते हैं क्योंकि क्रिस्टोफर नॉलन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है बहुत ही अच्छा मूवी है अगर आप भी देखना चाहते हो तो जरूर से देख सकते हो साइंस फंट साइकोलॉजिकल थ्रिलर बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया गया है द मूवी को एंड बहुत ही अच्छा एक्ट्रेस ने काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में हुए जैकमैन देखने को मिल जाते हैं एंड को एक्ट्रेस में भी बहुत अच्छा काम किया है क्रिश्चियन बेल ने माइकल केन ने एंड स्कारलेट जॉनसन ने सभी टीम ने बहुत अच्छा काम किया थोड़ी बहुत कमियां देखने को मिल सकती है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो द प्रेस्टीज एक अच्छी मूवी है दो हज़ार सिक्स में काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते थे एंड काफ़ी हिट मूवी कह सकते हो कि उस समय यह काफी हिट मूवी रहा था तो अब बात कर लेते हैं कि कहां पर आपको द प्रेस्टीज मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी द प्रेस्टीज मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप द प्रेस्टीज मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो यह yeah, मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको द प्रेस्टिज़ मूवी का देखने को मिल जाएगा सो आप ज़रूर से देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है बहुत ही अच्छा मूवी है एंड बहुत अच्छा स्टोरी है द प्रेस्टिज़ मूवी का बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया गया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है एंड एक अच्छा स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है क्या स्टोरी है वो जानने के लिए आपको यह मूवी को देखना होगा आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बड़ी ही आसान से हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है इसके बॉक्स बॉक्सऑफ्स कलेक्शन से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने ज़्यादा लोग द प्रेस्टिज मूवी को पसंद करते हैं क्योंकि फोर्टी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने अप्रॉक्सीमेट एक सौ दस मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप जरूर से देख सकते हो तो आज का यह मूवी रिव्यू आपका अच्छा लगा हो तो एक बार इसको लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज मूवी के बारे में काफ़ी लोग द प्रेस्टीज़ मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी द प्रेस्टीज़ मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहे तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द प्रेस्टीज 2006 थाउजेंड ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द प्रेस्टीज़ मूवी को बनाया है साथ में आपको इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने बजट में द प्रेस्टीज मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन द प्रेस्टीज मूवी ने किया था सभी बातें आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं बताएंगे कि आपको प्रेस्टीज़ मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको प्रेस्टीज़ मूवी देखनी चाहिए तो क्या खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सभी डिटेल में बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज मूवी के बारे में अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नॉलन ने जाए की की तो द प्रेस्टीज मूवी का स्क्रीन पे लिखा है जोनाथन नॉनल ने क्रिस्टोफर नॉलन ने, ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को प्रोड्यूस किया है एमा थॉमस ने एरोन राइडर ने एंड क्रिस्टोफर नॉलन ने इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको प्रेस्टिस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में हुज जैकमैन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाते हैं माइकल केन देखने को मिल जाते हैं स्कारलेट जोहसन देखने को मिल जाते हैं रेबिका हॉल देखने को मिल जाते हैं एंडी सार देखने को मिल जाते हैं डेविड बॉय देखने को मिल जाते हैं पाइपर पैराबोबो देखने को मिल जाते हैं द प्रेस्टिस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है बैली पी फिशर्टर ने एडिटर की बात की है तो ध्यान प्रेसटीज़ मूवी को एडिट किया है ली स्मिथ ने म्यूज़िक की बात की है तो दा प्रेस्टीज मूवी का म्यूज़िक किया है डेविड जुलियॉन ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की तो है तो द प्रेस्टीज मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं टच स्टोन पिक्चर्स वार्नर ब्रोज पिक्चर्स न्यू मार्किट फिल्म साइन कॉपी डिस्ट्रीब्यूटर की बात की है तो द प्रेस्टीज मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्यूना बिस्टा पिक्चर्स ने जिसने जिन्होंने की नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट किया था वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने इस मूवी को इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट किया है रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो द प्रेस्टिज मूवी रिलीज़ हुई थी बीस अक्टूबर दो हज़ार सिक्स में एंड टेन नवंबर दो हज़ार सिक्स में यूनाइटेड किंगडम में यह मूवी रिलीज़ हुई थी रनिंग टाइम की बात की जाए तो एक सौ तीस मिनट रनिंग टाइम आपको द प्रेस्टिस मूवी का देखने को मिल जाता है एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में सबसे पहले द प्रेस्टिस मूवी के बजट की बात की जाए तो फोर्टी फोर्टी मिलियन डॉलर की लागत में इस मूवी को बनाया गया है एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन एक 109.7 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आगे हम बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो कहाँ पर देखने को मिलेगी सबसे पहले द प्रेस्टिस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनर है अगर आपको साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द प्रेस्टिज़ मूवी देख सकते हो बात किया दो हज़ार सिक्स में यह मूवी रिलीज़ हुई थी दो हज़ार सिक्स से लेकर काफ़ी लोग इस मूवी के फ़ैन भी हैं जो इस मूवी को हिंदी वर्जन में भी देखना चाहते हैं एंड काफ़ी लोग क्रिस्टोफर नॉलन के फ़ैन हैं जिन्होंने कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है वो लोग इस वजह से देखना चाहते हैं क्योंकि क्रिस्टोफर नॉलन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है बहुत ही अच्छा मूवी है अगर आप भी देखना चाहते हो तो जरूर से देख सकते हो साइंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया गया है द मूवी को एंड बहुत ही अच्छा एक्ट्रेस ने काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में जैकमैन देखने को मिल जाते हैं एंड को एक्ट्रेस में भी बहुत अच्छा काम किया है क्रिश्चियन बेल ने माइकल केन ने एंड स्कारलेट जॉनसन ने सभी टीम ने बहुत अच्छा काम किया थोड़ी बहुत कमियां देखने को मिल सकती है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो द प्रेस्टीज एक अच्छी मूवी है दो हज़ार सिक्स में काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते थे एंड काफ़ी हिट मूवी कह सकते हो कि उस समय यह काफ़ी हिट मूवी रहा था तो अब बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द प्रेस्टीज मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी द प्रेस्टीज मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप द प्रेस्टीज मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो यह yeah, मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको द प्रेस्टिज़ मूवी का देखने को मिल जाएगा सो आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है बहुत ही अच्छा मूवी है एंड बहुत अच्छा स्टोरी है द प्रेस्टिज़ मूवी का बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया गया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है एंड एक अच्छा स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है क्या स्टोरी है वो जानने के लिए आपको यह मूवी को देखना होगा आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बड़ी ही आसान से हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है इसके बॉक्स कलेक्शन से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने ज्यादा लोग द मूवी को पसंद करते हैं क्योंकि फोर्टी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने अप्रॉक्सीमेट एक मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप जरूर से देख सकते हो तो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इसको लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बात जय हिंद बंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज मूवी के बारे में काफ़ी लोग द प्रेस्टीज मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी द प्रेस्टीज मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द प्रेस्टीज 2006 थाउजेंड ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द प्रेस्टीज मूवी को बनाया है साथ में आपको इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने बजट में द प्रेस्टीज मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन द प्रेस्टीज मूवी ने किया था, था, था। सभी बातें आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं बताएंगे कि आपको प्रेस्टीज मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको प्रेस्टीज मूवी देखनी चाहिए तो क्या खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सभी डिटेल में बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज मूवी के बारे में अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो प्रेस्टीज मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नॉलन ने पे की बात तो प्रेस्टीज मूवी का स्क्रीन पे लिखा है जोनाथन नॉनल ने क्रिस्टोफर नॉलन ने एंड प्रोड्यूसर <cousQUE> की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को प्रोड्यूस किया है एमा थॉमस ने एरोन राइडर ने एंड क्रिस्टोफर नॉलन ने इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते कि कौन से एक्टर आपको प्रेस्टिस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में हुज जैकमैन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाते हैं माइकल केन देखने को मिल जाते हैं स्कारलेट जोहसन देखने को मिल जाते हैं रेबिका हॉल देखने को मिल जाते हैं एंटी सैरकिस देखने को मिल जाते हैं डेविड बॉय देखने को मिल जाते हैं पाइपर पैराबोबो देखने को मिल जाते हैं द प्रेस्टिस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है बैली पी फिशरटर ने एडिटर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को एडिट किया है तो ली स्मिथ ने म्यूजिक की बात की तो है तो द प्रेस्टीज मूवी का म्यूजिक किया है डेविड जुलियॉन ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की तो है तो द प्रेस्टीज मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं टच स्टोन पिक्चर्स वार्नर ब्रोज पिक्चर्स न्यू मार्केट फिल्म साइन कॉपी डिस्ट्रीब्यूटर की बात की तो है तो द प्रस्टीज मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्यूना बिस्टा पिक्चर्स ने जिसने जिन्होंने की नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट किया था वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने इस मूवी को इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट किया है रिलीज डेट की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी रिलीज हुई थी बीस अक्टूबर दो हज़ार सिक्स में एंड टेन नवंबर दो हज़ार सिक्स में यूनाइटेड किंगडम में यह मूवी रिलीज़ हुई थी रनिंग टाइम की बात की है तो एक सौ तीस मिनट रनिंग टाइम आपको द प्रेस्टिस मूवी का देखने को मिल जाता है एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले द प्रेस्टीज मूवी के बजट की बात की जाए तो फोर्टी फोर्टी मिलियन डॉलर की लागत में इस मूवी को बनाया गया है एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन है 109.7 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आगे हम बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो कहाँ पर देखने को मिलेगी सबसे पहले द प्रेस्टिज़ मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनर है अगर आपको साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द प्रेस्टिज़ मूवी देख सकते हो बात किया दो हज़ार सिक्स में यह मूवी रिलीज़ हुई थी दो हज़ार सिक्स से लेकर काफ़ी लोग इस मूवी के फ़ैन भी हैं जो इस मूवी को हिंदी वर्जन में भी देखना चाहते हैं एंड काफ़ी लोग क्रिस्टोफर नॉलन के फ़ैन हैं जिन्होंने कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है वो लोग इस वजह से देखना चाहते हैं क्योंकि क्रिस्टोफर नॉलन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है बहुत ही अच्छा मूवी है अगर आप भी देखना चाहते हो तो जरूर से देख सकते हो साइंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर बहुत बहुत ही ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया गया है द मूवी को एंड अच्छा एक्ट्रेस ने काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में जैकमैन देखने को मिल जाते हैं एंड को एक्ट्रेस में भी बहुत अच्छा काम किया है क्रिश्चियन बेल ने माइकल केन ने एंड स्कारलेट जॉनसन ने सभी टीम ने बहुत अच्छा काम किया थोड़ी बहुत कमियां देखने को मिल सकती है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो द प्रेस्टीज एक अच्छी मूवी है दो हज़ार सिक्स में काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते थे एंड काफ़ी हिट मूवी कह सकते हो कि उस समय यह काफ़ी हिट मूवी रहा था तो अब बात कर लेते कि कहाँ पर आपको द प्रेस्टिज मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी द प्रेस्टिज मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप द प्रेस्टिज मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो यह yeah, मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको द प्रेस्टिज़ मूवी का देखने को मिल जाएगा सो आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है बहुत ही अच्छा मूवी है एंड बहुत अच्छा स्टोरी है द प्रेस्टिज़ मूवी का बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया गया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है एंड एक अच्छा स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है क्या स्टोरी है वो जानने के लिए आपको यह मूवी को देखना होगा आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बड़ी ही आसान से हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने ज्यादा लोग द मूवी को पसंद करते हैं क्योंकि फोर्टी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने अप्रॉक्सीमेट एक मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप जरूर से देख सकते हो तो आज का यह मूवी रिव्यू आपका अच्छा लगा हो तो एक बार इसको लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय हिंद बंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज़ मूवी के बारे में काफ़ी लोग द प्रेस्टीज़ मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी द प्रेस्टीज मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द प्रेस्टीज़ 2006 थाउजेंड ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द प्रेस्टीज मूवी को बनाया है साथ में आपको इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने बजट में द प्रेस्टीज मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑब्स कलेक्शन द प्रेस्टीज मूवी ने किया था सभी बातें आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं बताएंगे कि आपको प्रेस्टीज मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको प्रेस्टीज मूवी देखने चाहिए तो क्या खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सभी डिटेल में बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज मूवी के बारे में अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को डायरेक्ट किया है <laughs> क्रिस्टोफर नॉलन ने स्क्रीन पे की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी का स्क्रीन पे लिखा है जोनाथन नॉनल ने क्रिस्टोफर नॉलन ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को प्रोड्यूस किया है एमा तो थॉमस ने एरन राइडर ने एंड क्रिस्टोफर नॉलन ने इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको प्रेस्टीज मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में हुज जैकमैन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाते हैं माइकल केन देखने को मिल जाते हैं स्कारलेट जोहसन देखने को मिल जाते हैं रेबिका हॉल देखने को मिल जाते हैं एंटी सार्किस देखने को मिल जाते हैं डेविड बॉय देखने को मिल जाते हैं पाइपर पैराबोबो देखने को मिल जाते हैं द प्रेस्टिस मूवी में सनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सनेमाटोग्राफी की है बैली पी फिशर ने एडिटर की बात की है तो द प्रेस्टीज मूवी को एडिट किया है ली स्मिथ ने म्यूज़िक की बात की है तो द प्रेस्टीज़ मूवी का म्यूज़िक किया है डेविड जुलियॉन ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की तो है तो द प्रस्टीज मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं टच स्टोन पिक्चर्स वार्नर ब्रोज पिक्चर्स न्यू मार्केट फिल्म साइन कॉपी डिस्ट्रीब्यूटर की बात की तो द प्रस्टीज मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्यूना बिस्टा पिक्चर्स ने जिसने जिन्होंने की नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट किया था वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने इस मूवी को इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट किया है रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो द प्रेस्टिज मूवी रिलीज़ हुई थी बीस अक्टूबर दो हज़ार सिक्स में एंड टेन नवंबर दो हज़ार सिक्स में यूनाइटेड किंगडम में यह मूवी रिलीज़ हुई थी रनिंग टाइम की बात की जाए तो एक सौ तीस मिनट रनिंग टाइम आपको द प्रेस्टिस मूवी का देखने को मिल जाता है एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले द प्रेस्टिज मूवी के बजट की बात की जाए तो फोर्टी फोर्टी मिलियन डॉलर की लागत में इस मूवी को बनाया गया है एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द प्रेस्टिज मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस 109.7 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आगे हम बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो कहाँ पर देखने को मिलेगी सबसे पहले द प्रेस्टिस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जॉनर है अगर आपको साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द प्रेस्टिज़ मूवी देख सकते हो बात किया दो हज़ार सिक्स में यह मूवी रिलीज़ हुई थी दो हज़ार सिक्स से लेकर काफ़ी लोग इस मूवी के फैन भी हैं जो इस मूवी को हिंदी वर्जन में भी देखना चाहते हैं एंड काफ़ी लोग क्रिस्टोफर नॉलन के फ़ैन हैं जिन्होंने कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है वो लोग इस वजह से देखना चाहते हैं क्योंकि क्रिस्टोफर नॉलन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है बहुत ही अच्छा मूवी है अगर आप भी देखना चाहते हो तो जरूर से देख सकते हो साइंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया गया है द मूवी को एंड बहुत ही अच्छा एक्ट्रेस ने काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में जैकमैन देखने को मिल जाते हैं एंड को एक्ट्रेस में भी बहुत अच्छा काम किया है क्रिश्चियन बेल ने माइकल केन ने एंड स्कारलेट जॉनसन ने सभी टीम ने बहुत अच्छा काम किया थोड़ी बहुत कमियां देखने को मिल सकती है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो द प्रेस्टीज एक अच्छी मूवी है दो हज़ार सिक्स में काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते थे एंड काफ़ी हिट मूवी कह सकते हो कि उस समय यह काफ़ी हिट मूवी रहा था तो अब बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द प्रेस्टिज मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी द प्रेस्टिज मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप द प्रेस्टिज मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो यह yeah, मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको द प्रेस्टिज मूवी का देखने को मिल जाएगा सो आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवीज देखना पसंद है बहुत ही अच्छा मूवी है एंड बहुत अच्छा स्टोरी है द प्रेस्टिज़ मूवी का बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी का डायरेक्ट भी किया गया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है एंड एक अच्छा स्टोरी है आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है क्या स्टोरी है वो जानने के लिए आपको यह मूवी को देखना होगा आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बड़ी ही आसानी से हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है इसके बॉक्स बॉक्सऑफ कलेक्शन से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने ज़्यादा लोग द प्रेस्टिज मूवी को पसंद करते हैं क्योंकि फोर्टी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने अप्रॉक्सीमेट एक सौ दस मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप जरूर से देख सकते हो तो आज का यह मूवी रिव्यू आपका अच्छा लगा हो तो एक बार इसको लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज़ मूवी के बारे में काफ़ी लोग द प्रेस्टीज़ मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी द प्रेस्टीज मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द प्रेस्टीज़ 2006 ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द प्रेस्टीज मूवी को बनाया है साथ में आपको इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने बजट में द प्रेस्टीज मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन द प्रेस्टीज मूवी ने किया था सभी बातें आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं बताएंगे कि आपको प्रेस्टीज मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको प्रेस्टीज मूवी देखनी चाहिए तो क्या खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सभी डिटेल में बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज मूवी के बारे में अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नॉलन ने स्क्रीन पे की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी का स्क्रीन पे लिखा है जोनाथन नॉनल ने क्रिस्टोफर नॉलन ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को प्रोड्यूस किया है एमा तो थॉमस ने एरन राइडर ने एंड क्रिस्टोफर नॉलन ने इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते कि कौन से एक्टर आपको प्रेस्टीज मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में हुज जैकमैन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाते हैं माइकल केन देखने को मिल जाते हैं स्कारलेट जोहसन देखने को मिल जाते हैं रेबिका हॉल देखने को मिल जाते हैं एंटी सैरकिस देखने को मिल जाते हैं डेविड बॉय देखने को मिल जाते हैं पाइपर पैराबोबो देखने को मिल जाते हैं द प्रेस्टिस मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सीनेमाटोग्राफी की है बैली पी फिशरटर ने एडिटर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को एडिट किया है ली स्मिथ ने म्यूजिक की बात की तो मूवी का म्यूजिक किया है डेविड जुलियोन ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की तो प्रेस्टीज मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है टच स्टोन पिक्चर्स वार्नर ब्रोज पिक्चर्स न्यू मार्केट फिल्म साइन कॉपी डिस्ट्रीब्यूटर की बात की है तो द प्रेस्टीज़ मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्यूना बिस्टा पिक्चर्स ने जिसने जिन्होंने कि नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट किया था वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने इस मूवी को इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट किया है रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी रिलीज़ हुई थी बीस अक्टूबर दो हज़ार सिक्स में एंड टेन नवंबर दो हज़ार सिक्स में यूनाइटेड किंगडम में यह मूवी रिलीज़ हुई थी रनिंग टाइम की बात की जाए तो एक सौ तीस मिनट रनिंग टाइम आपको द प्रेस्टिस मूवी का देखने को मिल जाता है एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले द प्रेस्टिज मूवी के बजट की बात की जाए तो फोर्टी फोर्टी मिलियन डॉलर की लागत में इस मूवी को बनाया गया है एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द प्रेस्टिज मूवी का बॉक्स ऑफ्स कलेक्शन एक 109.7 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में ऑफिस कलेक्शन के बारे में एंड बजट के बारे में आगे हम बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो कहाँ पर देखने को मिलेगी सबसे पहले द प्रेस्टिस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जॉनर है अगर आपको साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो जरूर से आप द प्रेस्टिस मूवी देख सकते हो बात किया दो हज़ार सिक्स में यह मूवी रिलीज़ हुई थी दो हज़ार सिक्स से लेकर काफ़ी लोग इस मूवी के फैन भी हैं जो इस मूवी को हिंदी वर्जन में भी देखना चाहते हैं एंड काफ़ी लोग क्रिस्टोफर नॉलन के फ़ैन हैं जिन्होंने कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है वो लोग इस वजह से देख चाहते हैं क्योंकि क्रिस्टोफर नॉलन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है बहुत ही अच्छा मूवी है अगर आप भी देखना चाहते हो तो जरूर से देख सकते हो साइंस फंट साइकोलॉजिकल थ्रिलर बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया गया है द मूवी को एंड बहुत ही अच्छा एक्ट्रेस ने काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में जैकमैन देखने को मिल जाते हैं एंड को एक्ट्रेस में भी बहुत अच्छा काम किया है क्रिश्चियन बेल ने माइकल केन ने एंड स्कारलेट जॉनसन ने सभी टीम ने बहुत अच्छा काम किया थोड़ी बहुत कमियां देखने को मिल सकती है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो द प्रेस्टीज एक अच्छी मूवी है दो हज़ार सिक्स में काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते थे एंड काफ़ी हिट मूवी कह सकते हो कि उस समय यह काफ़ी हिट मूवी रहा था तो अब बात कर लेते कि कहाँ पर आपको द प्रेस्टीज मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी द प्रेस्टीज मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप द प्रेस्टीज मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो यह yeah, मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको द प्रेस्टिज मूवी का देखने को मिल जाएगा सो आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है बहुत ही अच्छा मूवी है एंड बहुत अच्छा स्टोरी है द प्रेस्टिज़ मूवी का बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी का डायरेक्ट भी किया गया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है एंड एक अच्छा स्टोरी है आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है क्या स्टोरी है वो जानने के लिए आपको यह मूवी को देखना होगा आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बड़ी ही आसान नी से हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने ज़्यादा लोग द दाप्रेस्टीज़ मूवी को पसंद करते हैं क्योंकि फोर्टी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने अप्रॉक्सीमेट एक मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप ज़रूर से देख सकते हो तो आज का यह मूवी रिव्यू आपका अच्छा लगा हो तो एक बार इसको लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है तब तक के लिए ओके भाई जय हिंद बंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज मूवी के बारे में काफ़ी लोग द प्रेस्टीज़ मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी द प्रेस्टीज मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द प्रेस्टीज 2006 ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द प्रेस्टीज़ मूवी को बनाया है साथ में आपको इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने बजट में द प्रेस्टीज मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन द प्रेस्टीज मूवी ने किया था सभी बातें आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं बताएंगे कि आपको प्रेस्टीज़ मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको प्रेस्टीज़ मूवी देखनी चाहिए तो क्या खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सभी डिटेल में बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज मूवी के बारे में अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नॉलन ने स्क्रीन पे की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी का स्क्रीन पे लिखा है जोनाथन नॉनल ने क्रिस्टोफर नॉलन ने, ने, ने। एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को प्रोड्यूस किया है एमा थॉमस ने एरन राइडर ने एंड क्रिस्टोफर नॉलन ने इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको प्रेस्टिस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में हुज जैकमैन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाते हैं माइकल केन देखने को मिल जाते हैं स्कारलेट जोनसन देखने को मिल जाते हैं रेबिका हॉल देखने को मिल जाते हैं एंटी सैरकिस देखने को मिल जाते हैं डेविड बॉय देखने को मिल जाते हैं पाइपर पैराबोबो देखने को मिल जाते हैं द प्रेस्टिस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है बैली पी फिशर ने एडिटर की बात की है तो द प्रेस्टीज मूवी को एडिट किया है ली स्मिथ ने म्यूज़िक की बात की तो दा प्रेस्टीज़ मूवी का म्यूज़िक किया है डेविड जूलियन ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की तो है तो द प्रेस्टीज़ मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं टच स्टोन पिक्चर्स वार्नर ब्रोज पिक्चर्स न्यू मार्केट फिल्म्स साइन कॉपी डिस्ट्रीब्यूटर की बात की है तो द प्रेस्टीज मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्यूना बिस्टा पिक्चर्स ने जिसने जिन्होंने कि नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट किया था वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने इस मूवी को इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट किया है रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी रिलीज़ हुई थी बीस अक्टूबर दो हज़ार सिक्स में एंड टेन नवंबर दो हज़ार सिक्स में यूनाइटेड किंगडम में यह मूवी रिलीज हुई थी रनिंग टाइम की बात की जाए तो एक सौ तीस मिनट रनिंग टाइम आपको द प्रेस्टिस मूवी का देखने को मिल जाता है एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में सबसे पहले द प्रेस्टिस मूवी के बजट की बात की जाए तो फोर्टी फोर्टी मिलियन डॉलर की लागत में इस मूवी को बनाया गया है एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस 109.7 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आगे हम बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो कहाँ पर देखने को मिलेगी सबसे पहले द प्रेस्टिस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनर है अगर आपको साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द प्रस्टिस मूवी देख सकते हो बात किया दो हज़ार सिक्स में यह मूवी रिलीज़ हुई थी दो हज़ार सिक्स से लेकर काफ़ी लोग इस मूवी के फ़ैन भी हैं जो इस मूवी को हिंदी वर्जन में भी देखना चाहते हैं एंड काफ़ी लोग क्रिस्टोफर नॉलन के फ़ैन हैं जिन्होंने कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है वो लोग इस वजह से देखना चाहते हैं क्योंकि क्रिस्टोफर नॉलन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है बहुत ही अच्छा मूवी है अगर आप भी देखना चाहते हो तो जरूर से देख सकते हो साइंस फंट साइकोलॉजिकल थ्रिलर बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया गया है द मूवी को एंड बहुत ही अच्छा एक्ट्रेस ने काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में हुए जैकमैन देखने को मिल जाते हैं एंड को एक्ट्रेस में भी बहुत अच्छा काम किया है क्रिश्चियन बेल ने माइकल केन ने एंड स्कारलेट जॉनसन ने सभी टीम ने बहुत अच्छा काम किया थोड़ी बहुत कमियां देखने को मिल सकती है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो द प्रेस्टीज एक अच्छी मूवी है दो हज़ार सिक्स में काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते थे एंड काफ़ी हिट मूवी कह सकते हो कि उस समय यह काफी हिट मूवी रहा था तो अब बात कर लेते कि कहाँ पर आपको द प्रेस्टीज मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी द प्रेस्टीज मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप द प्रेस्टीज मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो यह yeah, मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको द प्रेस्टिज़ मूवी का देखने को मिल जाएगा सो आप ज़रूर से देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है बहुत ही अच्छा मूवी है एंड बहुत अच्छा स्टोरी है द प्रेस्टिज़ मूवी का बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया गया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है एंड एक अच्छा स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है क्या स्टोरी है वो जानने के लिए आपको यह मूवी को देखना होगा आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बड़ी ही आसान से हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है इसके बॉक्स बॉक्सऑफ्स कलेक्शन से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने ज़्यादा लोग द प्रेस्टिज मूवी को पसंद करते हैं क्योंकि फोर्टी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने अप्रॉक्सीमेट एक सौ दस मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप ज़रूर से देख सकते हो तो आज का यह मूवी रिव्यू आपका अच्छा लगा हो तो एक बार इसको लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज मूवी के बारे में काफ़ी लोग द प्रेस्टीज़ मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी द प्रेस्टीज़ मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द प्रेस्टीज 2006 थाउजेंड ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द प्रेस्टीज़ मूवी को बनाया है साथ में आपको इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने बजट में द प्रेस्टीज़ मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन द प्रेस्टीज मूवी ने किया था सभी बातें आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं बताएंगे कि आपको प्रेस्टीज़ मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको प्रेस्टीज़ मूवी देखनी चाहिए तो क्या खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सभी डिटेल में बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज मूवी के बारे में अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नॉलन ने जाए तो द प्रेस्टीज मूवी का स्क्रीन पे लिखा है जोनाथन नॉनल ने क्रिस्टोफर नॉलन ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को प्रोड्यूस किया है एमा थॉमस ने एरोन राइडर ने एंड क्रिस्टोफर नॉलन ने इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको प्रेस्टिस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में हुज जैकमैन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाते हैं माइकल केन देखने को मिल जाते हैं स्कारलेट जोहसन देखने को मिल जाते हैं रेबिका हॉल देखने को मिल जाते हैं एंडी सार देखने को मिल जाते हैं डेविड बॉय देखने को मिल जाते हैं पाइपर पैराबोबो देखने को मिल जाते हैं द प्रेस्टिस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है बैली पी फिशर्टर ने एडिटर की बात की है तो ध्यान प्रेसटीज़ मूवी को एडिट किया है ली स्मिथ ने म्यूज़िक की बात की है तो दा प्रेस्टीज मूवी का म्यूज़िक किया है डेविड जुलियॉन ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की तो है तो द प्रेस्टीज मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं टच स्टोन पिक्चर्स वार्नर ब्रोज पिक्चर्स न्यू मार्किट फिल्म साइन कॉपी डिस्ट्रीब्यूटर की बात तो है, Buna, की है तो द प्रेस्टीज मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्यूना बिस्टा पिक्चर्स ने जिसने जिन्होंने की नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट किया था वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने इस मूवी को इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट किया है रिलीज डेट की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी रिलीज हुई थी बीस अक्टूबर दो हज़ार सिक्स में एंड टेन नवंबर दो हज़ार सिक्स में यूनाइटेड किंगडम में यह मूवी रिलीज़ हुई थी रनिंग टाइम की बात की जाए तो एक सौ तीस मिनट रनिंग टाइम आपको द प्रेस्टिस मूवी का देखने को मिल जाता है एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में सबसे पहले द प्रेस्टिस मूवी के बजट की बात की जाए तो फोर्टी फोर्टी मिलियन डॉलर की लागत में इस मूवी को बनाया गया है एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन एक 109.7 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आगे हम बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो कहाँ पर देखने को मिलेगी सबसे पहले द प्रेस्टिज मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का साइंस फैंटासी साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनर है अगर आपको साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो जरूर से आप द प्रेस्टिज मूवी देख सकते हो बात किया 2006 में यह मूवी रिलीज़ हुई थी 2006 से लेकर काफ़ी लोग इस मूवी के फैन भी हैं जो इस मूवी को हिंदी वर्जन में भी देखना चाहते हैं एंड काफ़ी लोग क्रिस्टोफर नॉलन के फ़ैन हैं जिन्होंने कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है वो लोग इस वजह से देखना चाहते हैं क्योंकि क्रिस्टोफर नॉलन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है बहुत ही अच्छा मूवी है अगर आप भी देखना चाहते हो तो जरूर से देख सकते हो साइंस फंट साइकोलॉजिकल थ्रिलर बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया गया है द प्रेस्टिज मूवी को एंड बहुत ही अच्छा एक्ट्रेस ने काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में हुज जैकमैन देखने को मिल जाते हैं एंड को एक्ट्रेस में भी बहुत अच्छा काम किया है क्रिश्चियन बेल ने माइकल केन ने एंड स्कारलेट जॉनसन ने सभी टीम ने बहुत अच्छा काम किया थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल सकती है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो द प्रेस्टीज एक अच्छी मूवी है दो हजार लोग इस मूवी को पसंद करते थे एंड काफ़ी काफ़ी हिट हिट मूवी मूवी कह सकते हो कि उस समय ये काफी हिट रहा था तो अब बात कर लेते हैं कि कहां पर आपको द प्रेस्टीज मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी द प्रेस्टीज मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप द प्रेस्टीज मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो यह yeah, मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको द प्रेस्टिज़ मूवी का देखने को मिल जाएगा सो आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है बहुत ही अच्छा मूवी है एंड बहुत अच्छा स्टोरी है द प्रेस्टिज़ मूवी का बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया गया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है एंड एक अच्छा स्टोरी है आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है क्या स्टोरी है वो जानने के लिए आपको यह मूवी को देखना होगा आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बड़ी ही आसान से हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है इसके बॉक्स कलेक्शन से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने ज्यादा लोग द मूवी को पसंद करते हैं क्योंकि फोर्टी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने अप्रॉक्सीमेट एक मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप जरूर से देख सकते हो तो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इसको लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बात जय हिंद बंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज़ मूवी के बारे में काफ़ी लोग द प्रेस्टीज़ मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी द प्रेस्टीज मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार तो इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द प्रेस्टीज 2006 ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द प्रेस्टीज मूवी को बनाया है साथ में आपको इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने बजट में द प्रेस्टीज मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन द प्रेस्टीज मूवी ने किया था सभी बातें आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं बताएंगे कि आपको प्रेस्टीज मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको प्रेस्टीज मूवी देख नहीं चाहिए तो क्या खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सभी डिटेल में बात करने वाले हैं द प्रेस्टीज मूवी के बारे में अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नॉलन ने स्क्रीन पे की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी का स्क्रीन पे लिखा है जोनाथन नॉनल ने क्रिस्टोफर नॉलन ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी को प्रोड्यूस किया है एमा तो थॉमस ने एरन राइडर ने एंड क्रिस्टोफर नॉलन ने इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको प्रेस्टीज मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में हुज जैकमैन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाते हैं माइकल केन देखने को मिल जाते हैं स्कारलेट जोहसन देखने को मिल जाते हैं रेबिका हॉल देखने को मिल जाते हैं एंडी सार्किस देखने को मिल जाते हैं डेविड बॉय देखने को मिल जाते हैं पाइपर पैराबोबो देखने को मिल जाते हैं द प्रेस्टिस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है बैली पी फिशर ने एडिटर की बात की है तो दा प्रेस्टीज मूवी को एडिट किया है ली स्मिथ ने म्यूज़िक की बात की है तो द प्रेस्टीज मूवी का म्यूज़िक किया है डेविड जुलियॉन ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की तो है तो द प्रेस्टीज मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं टच स्टोन पिक्चर्स वार्नर ब्रोज पिक्चर्स न्यू मार्केट फिल्म साइन कॉपी डिस्ट्रीब्यूटर की बात की तो द प्रस्टीज मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्यूना बिस्टा पिक्चर्स ने जिसने जिन्होंने कि नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट किया था वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने इस मूवी को इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट किया है रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो द प्रेस्टीज़ मूवी रिलीज़ हुई थी बीस अक्टूबर दो हज़ार सिक्स में एंड टेन नवंबर दो हज़ार सिक्स में यूनाइटेड किंगडम में यह मूवी रिलीज़ हुई थी रनिंग टाइम की बात की है तो एक सौ तीस मिनट रनिंग टाइम आपको द प्रेस्टिस मूवी का देखने को मिल जाता है एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले द प्रेस्टीज मूवी के बजट की बात की जाए तो फोर्टी फोर्टी मिलियन डॉलर की लागत में इस मूवी को बनाया गया है एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द प्रेस्टीज मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन है 109.7 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आगे हम बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो कहाँ पर देखने को मिलेगी सबसे पहले द प्रेस्टिज़ मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनर है अगर आपको साइंस फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द प्रेस्टिज़ मूवी देख सकते हो बात किया दो हज़ार सिक्स में यह मूवी रिलीज़ हुई थी दो हज़ार सिक्स से लेकर काफ़ी लोग इस मूवी के फ़ैन भी हैं जो इस मूवी को हिंदी वर्जन में भी देखना चाहते हैं एंड काफ़ी लोग क्रिस्टोफर नॉलन के फ़ैन हैं जिन्होंने कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है वो लोग इस वजह से देखना चाहते हैं क्योंकि क्रिस्टोफर नॉलन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है बहुत ही अच्छा मूवी है अगर आप भी देखना चाहते हो तो जरूर से देख सकते हो साइंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर बहुत बहुत ही ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया गया है द मूवी को एंड अच्छा एक्ट्रेस ने काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में जैकमैन देखने को मिल जाते हैं एंड को एक्ट्रेस में भी बहुत अच्छा काम किया है क्रिश्चियन बेल ने माइकल केन ने एंड स्कारलेट जॉनसन ने सभी टीम ने बहुत अच्छा काम किया थोड़ी बहुत कमियां देखने को मिल सकती है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो द प्रेस्टीज एक अच्छी मूवी है दो हज़ार सिक्स में काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते थे एंड काफ़ी हिट मूवी कह सकते हो कि उस समय यह काफ़ी हिट मूवी रहा था तो अब बात कर लेते कि कहाँ पर आपको द प्रेस्टिज मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी द प्रेस्टिज मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप द प्रेस्टिज मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो यह yeah, मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको द प्रेस्टिज़ मूवी का देखने को मिल जाएगा सो आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवीज देखना पसंद है बहुत ही अच्छा मूवी है एंड बहुत अच्छा स्टोरी है द प्रेस्टिज़ मूवी का बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया गया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है एंड एक अच्छा स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है क्या स्टोरी है वो जानने के लिए आपको यह मूवी को देखना होगा आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बड़ी ही आसानी से हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है इसके बॉक्स बॉक्सऑफ कलेक्शन से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने ज़्यादा लोग द दाप्रेस्टिज मूवी को पसंद करते हैं क्योंकि फोर्टी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने अप्रॉक्सीमेट एक मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप ज़रूर से देख सकते हो तो आज का यह मूवी रिव्यू आपका अच्छा लगा हो तो एक बार इसको लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम